हेलो जी, राम राम जी। किया होती सारा, तो स्वागत करूँ मैं थर सारा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका भोबिया व्लॉग्स में। तो आज है जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी। तो मेरी तरफ हूँ थान सारन, हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। तो हर्षी लुट गई है पीछे थन है, दिखती हुई कि पूरी ब्लर। तो अब देखो पीछे, क्योंकि पहला सिनेमेटिक में बना ला रही, तो पीछे पूरी की पूरी ब्लर दिखा लाग रही। तो अभी उठी है, दूध वगैरह पी लियो, हर्ष नाल लाग रही, राहुल जी नाल लाग रहे, और मैं लाग रही हूँ किचन में। तो देखो आज मैं के बनाने लाग रही हूँ। तो आ देखो खीर और सही मिक्स बनाई है मैं, तो आ रेडी हो गई है। अभी इन ठंडी होने खातर रख दी है, इन तैयारी कर लिया मालपुआ की, और बैटर तैयार है, सारो सामान रेडी है। तो अब मैं बनाऊ मालपुआ। कान्हा जी मार नात हो गए, रेडी है बिल्कुल एकदम तैयार है, मैं भी थान दिखाऊं। ऐ देखो कान्हा जी मारा बिल्कुल रेडी है, नहा धो के बैठ गए, आपका झूला है मैं। तो ऐ मेरा कान्हा जी, तो आज है आऊ हैप्पी बर्थडे, तो बिल्कुल रेडी है। अब मैं कर लूँ बंग पूरी, मतलब प्रसाद की तैयारी यहाँ की खाने की। तो आज मैं सोचूँगी कि आज बनाऊँगा, आज सारे कृष्ण जन्माष्टमी है और सर आज खीर मालपुआ बना लिया, तो बढ़िया हुआ है। तो ठीक है, मैं कर लूँ सारा सामान रेडी, बना लूँ, तो फिर मिला थारू। ऐ देखो मालपुआ थोड़ा बनन लाग रहे, ऐता बन गया है, आटा बनन लाग रहे है। अब कहना जी गए सारों पर भोग लगा दिया। तो भाई नावा तो योगी है, और देखो कोई अजय ती बिंदी बुंदी कुछ लगाई को नहीं, बस नहा लियो, नहा के खाणों खा लियो। और कहना जी का तो भोग लगाई थी सुबह ही, बनाते ही खाणों। तो अभी मैं वापस किचन में आ गई हूँ, क्योंकि अब मैं बनाऊँगी धनिया पंचीरी को प्रसाद, तो वो भी थान दिखाऊँगी कि मैं क्या बना लाग रही हूँ। तो ठीक है देखो, सारों पहला तो पंजीरी बनाऊ, सारों पहला तो मैं आप कान्हा जी खातर है मक्खन निकालूंगी, अभी मलाई भी लूँ और फिर निकालूंगी मक्खन, और फिर भी बाद में बनाऊंगा आप धनिया पंजीरी को प्रसाद। वो देखो दाना मंगा लियो है, और वो मंगा लियो गूंद, और ड्राई फ्रूट वगैरह सारा रेडी है। तो सारों पहला आप मक्खन निकाल लिया, हठा अपना बिलोनो रेडी है, तो अठा अपनी मलाई रेडी है, मैं डाल दी है। अब लगा दिया मदानी, तो आ देखो अठे मदानी लगा दी है, और अब चला देंगा। ठीक है, आ देखो अठे मदानी चलन लग रही है, और बीज भी चलन लग रही है, तभी निकल गया वो मक्खन। तो फिर बनाऊंगा पंजीरी, तो वो देखो और निकल गयो है घी, और ये चूंटियों निकल गयो, मक्खन बन गयो कहना जी खाता फ्रेश। और बनाते हैं प्रसाद, तो इन थोड़े रुक के निकलांगा। भी मक्खन निकल गए, अब तैयारी कर लिया आप पंजीरी और प्रसाद की। देखो अठे ड्राई फ्रूट ले लिया, काजू ले लिया, मखाना ले लिया, बादाम ले लिया, धनिया ले लियो है, किशमिश ले ली, गूंद ले लियो, पिसड़ी चीनी ले ली, और अठे ले लिया घी, और अठे फ्राई पैन चढ़ा दिए। तो अब आ सारी चीज़ें गूंद लियांगा, ये सारी चीज़ है अन गूंद लियांगा, और फिर अन मिक्स करके बढ़िया धनिया पंजीरी बनावांगा। घी डाल लियो है, घी थोड़ा गर्म हो जाए, फिर अब धनिया डालना ना सारों पहले। ओ देखो एक मैं सारों पहला धनिया डाल दियो, अभी धनिया ने सुनो गूंद लियांगा घी में, फिर यहाँ ब्लैक ब्लैक हो जाओ, फिर इन निकाल के और फिर मिक्सी जार में डाल के और इन पीस लियांगा। तो ऐ देखो दाना गूंद लियो है, और अठा गूंद का बैके के करे जो खुला पाड़ लिया, और अठा सारा ड्राई फ्रूट जहाँ बुनन लाग रही हूँ, और फिर मिक्सी में मिक्स कर लेना। तो देखो अठे मैं धनियों जिया के धनिया और गूंद सागे याने पीस लिया, फिर थोड़ा घी जाता है जो तो थानियाँ दिखने लग रहे, और ऐड सारा ड्राई फ्रूट है जिका मैं भून लिया हूँ, और अब आने मिक्सी में डाल गए इन अंदर, और फिर आप इन पीस लेंगा। फिर आंगू भी किया आधा, तो जहाँ बिना पीसेड़ा रखूँगी और आधा पीस के रखूँगी, और फिर आने मिक्स करूँगी, फिर आने अंदर मिलाऊँगी पिसेड़ी चीनी। तो ऐ इन अंदर सारा ड्राई फ्रूट मैं पीस लिया है, और आंग बन गया सारो मिक्सचर, और अठे देखो थोड़ा बिना पीसेड़ा ड्राई फ्रूट भी अंदर है। तो अब इन और इन दोनों मिक्सर ने मिक्स कर दिया, देखो इन अंदर डाल दिया। अब डाल दिया आप इन अंदर चीनी, और फिर कराए मिक्स। तो वो देखो अठे हो गयो है प्रसाद रेडी, सारी चीज़ा कर दी मैं मिक्स, रेडी हो गयो, और वो निकाल दी मैं कान्हा जी खातर हल कटोरी में, ये बच्चा जूठा जट है ना, क्यों रात ने 12 बजे हमें भोग लगावांगा, 12 बजे बाद में वो सारो देखो
बहुत ही टेस्टी बना है वो। प्रसाद हो गया बिल्कुल रेडी एकदम बढ़िया, और मैं थोड़ा सा टेस्ट करके देखा, इतना टेस्टी बने हैं, बहुत ही बढ़िया। हमेशा ही मैं प्रसाद बनाऊंगी पंजीरा, बहुत ही टेस्टी बना है। तो ठीक है, और आगे वो प्रोसेस दिखावांगा, तो कंटिन्यू वॉच करता रहिए और वीडियो देखता रहिए। सतगुरु पे जाऊं बलिहार, अज मैनू नच लैन दे, ऐसे सतगुरु पे जाऊं बलिहार, अज मैनू नच लैन दे। गानों लगा दे चल
बंसुरी बजाई केक काट के बंसुरी बजाई बस जाके मां दी गोदी विच बह गया सती तो मदानी ले गया जाके मां दी गोदी विच बह गया सती तो मदानी ले गया मैं दूध का सती तो मदानी ले गया सुरबा गला बह गया बह जाने बस अच्छी हो जाना है। तो जी अठे कर लिया सारी तैयारी सारा सामान ट्रक लियो है तो अभी कान्हा जी के मुकुट और सब बांसुरी वगैरह हटा रहे और अभी बनाएंगे ड्रेस बनाएंगे और अभी ये वाली पहनी हुई थी मुंह धो के आता हूँ मैंने कहा किया तो पापा कहते ओ देख किया नहला रहे ये यहाँ पे जिद कर रहे हैं अभी मेरे को नहलाने दो भाई किस चीज की इनकी कोनिया है प्रसाद है धनिया है वो बदबू नहीं है बदबू पंचामृत है पंचामृत ये क्या है मामा अलेक्सा ये देखो ये क्या डाल रहे हो पंचामृत तो सारो करवानी हम सारो ही है दूध दही सब कुछ होता है छोटे वाला गिराया था अभी इसको ये प्लानिंग कर रहे अभी दीदी की शिकायत कैसे लगाऊं सारे एक एक करके मतलब नहलाएंगे खाना जी मेरी भी बारी आएगी ले गुलू नहीं नहीं करवा दो ऐसे नहीं करते शक्ल देखना इसकी दिखाई नहला दी भाई अच्छे से राधे राधे से बोल दे राधे राधे हर्ष राधे राधे बस अब दीदी को नहलाने दे बस ऊनी कोनी वीडियो तो हर्ष मोल ला रही है कान्हा जी ने और तो मेनू आ दिया वो सारो उठ जचा रखे वो आगे एयर करके टेंट मेंट फिर कटांगा केक जी के ऊपर पानी डालेंगे साफ पानी ये पीतल की है ना देखो इधर दीवार के साथ बोलो बहुपदी हर्ष हर्ष बहुपदी बस ठीक तो अब कान्हा जी को साफ कर लेते हैं टॉवल से अच्छे से ये इनके ऊपर क्या डाल रहे हैं डियो इत्र इत्र
बस हाथ में भी दीदी आपको लगाऊं क्या? इतनी अच्छी स्मेल आ रही है तो इतना है खाना जी का मैं नहीं लगा सकती बादाम खाना अभी रुको अभी रुक जा तुम खे क्या बोला ये एक मिनट रुक ये देखो खाना जी कुछ ऐसे लग रहे हैं हेलो अभी तो उनको रेडी करेंगे अभी तिलक लगाएंगे और सब कुछ अब कान्हा जी की लगा लिया तिलक वो थोड़ा लगा नहीं माचिस से लगाना पड़ेगा उनको चेंज नहीं वो कर दिया कान्हा जी के बोलो तिलक अरे लगा रहे पंजीरी का थोड़ा ले बेटा थोड़ा हाँ ये तो खुद का समझ गए ये हर्ष यहाँ पे भोग लगा रहा है पंजीरे का कान्हा जी को और अब लगाएंगे मक्खन का आप बादाम खा दो दीदी को खिला लेने दो बस तेल लगा दे बस यूं आया भी चलो खा लो अब कान्हा जी गए मक्खन को वो गए लगावे और तो भी सारा खा पिया दिया एना ने बढ़िया छील के पेट बल्कि खा दिया अब मैं काटांगा केक और तो सारो गोगो गयो अब दे ध्यान जुल्ला अरे मैंने तो दिया ही नहीं लास्ट में देख रहे तो आलो दे ध्यान जुल्ला जा गुल्लू तू भी दे दे का ना जुल्ली दे दे हाँ थोड़ी सी थाली आगे करती हूँ मैं तो करूँगी ले लुको देखो मैं कितना सुंदर केक लगा रुकू थोड़ा सा बस ठीक है ज्यादा नहीं लगाते आंख बात ये इसने आंखों पे मत लगा बस एक बात यो और काट दियो और खिला दे हमें ना तो अब मैं खिला दियो मैं खवा दियो जो भी खड़े हो खान दो ताकि सबको तांती की छोड़े मैं ले आऊं कटोरिया कान्हा जी केक खाओ हैप्पी बर्थडे